ये जो है यहाँ पर, ये जो पोस्ट है ना, ये है पाकिस्तान की, यहाँ पर पोस्ट है, पूरा पहाड़ पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर है और यहाँ पर पोस्ट जो है वो पाकिस्तान के अंडर है वो एरिया। ऐसे करना, ऐसे कर, ऐसे 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 थोड़ा, हाँ ऐसे, इधर इधर, हाँ ये हुई ना बात, इधर मेरी तरफ देख, मेरी तरफ, हाँ ये परफेक्ट। हाँ मैंने बताया, बांडीपुरी, बांडीपुरा है ना ये, हाँ बेन बांडीपुरा, सही है मार्केट तो ये है ना। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अपनी अदर साइड ऑफ कश्मीर की सीरीज चल रही है और अभी मैं हूँ श्रीनगर में। जैसे आपने पिछला एपिसोड देखा था तो मैं आया था पटनी टॉप से श्रीनगर और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ डावर के लिए। डावर कहाँ पड़ता है? डावर पड़ता है गुरेज वैली में और मैं अकेला नहीं जा रहा। ये जो गुरेज वैली की राइड होने वाली है इसमें मेरा एक जो लोकल कश्मीरी फ्रेंड है जिन्हें मैं बाबा बोलता हूँ, उनका नाम वैसे जुनैन है, तो वो मेरे साथ ये राइड 4-5 दिन की करने वाले हैं गुरेज वैली की। उसके बाद वो वापस आ जाएंगे और मैं अपनी राइड कंटिन्यू करूँगा वहाँ से। तो एक काम करते हैं, अब मैं डायरेक्ट आपको मिलता हूँ बाइक पे और सारी बातें जितनी भी होंगी अब बाइक पे ही होंगी आपसे। चलो तो अभी हम निकल रहे हैं बिल्कुल कश्मीर की गलियों के अंदर अंदर से, बिल्कुल इंटीरियर्स में से। और एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, कल तक जुनैन भाई का बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि राइड कर रहे हैं। इनका एक्चुअली राइड का मेरे साथ प्लान था बट इनका ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा था, तो जब इनको हुआ कि यार ये तो जा रहा है सच में, तो इन्होंने अपने ऑफिस पे कुछ बहाना लगाया और फाइनली इनको लीव मिल गई और अभी ये भी मेरे साथ जा रहे हैं। और आज जहाँ हम जा रहे हैं, मैंने जैसे बताया गुरेज वैली जा रहे हैं, तो गुरेज वैली श्रीनगर से लगभग 120 से 130 किलोमीटर है, जहाँ पर जाने में लगभग 5-5.5 घंटे लग जाते हैं। ये मेन लाल चौक है, मेन लाल चौक यही है। हम यहीं आए थे कल, हम कल यहीं आए थे जो यहाँ पूरा वो फ्लैग बना हुआ था, इंडियन फ्लैग। ओके, रात को और अभी बहुत फर्क है, कल रात को मैं आया था यहाँ पर। तो ये है क्लॉक टावर और लाल चौक का मेन जो एरिया है ना वो यही है, पूरा लिट अप होता है इंडियन फ्लैग से, ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन, और आपको पता ही है लाल चौक कितना फेमस है। सो ये मेन लाल चौक है जितना भी एरिया दिख रहा है, लेकिन अभी सब कुछ बंद है फिलहाल में। अभी जैसे जैसे मॉर्निंग होगी, अभी 9:30 या 10-10:30-11 बजे तक मेरे को लगता है सारी मार्केट खुल जानी चाहिए। कल रात को तो इतना अमेजिंग था ना यहाँ का व्यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। पीछे एक मटके वाली आइसक्रीम और कुल्फी भी खाई हमने हनुमान मंदिर लाल चौक में। हनुमान मंदिर लाल चौक पे कहाँ पर है? अच्छा इस गली में लाल चौक हनुमान मंदिर है। ये मेन चौक है, इसको बोलते हैं आगे जो चौक आएगा ना उसको बोलते हैं जहांगीर चौक। जहांगीर चौक, दिस इज हार्ट ऑफ द श्रीनगर, दिस इज हार्ट ऑफ द श्रीनगर। लाल चौक तो वैसे भी सेंटर है ना। हाँ सो देखो, सो यहाँ पर ये सही है ऐसे, मतलब रोड पे चलते चलते फिशेस सेल कर रहे हैं और ये भी एक बिजनेस है। यहाँ पर डल लेक से निकलती हैं बहुत सारी फिशेस, तो डल लेक से भी मेरे को लगता है डल लेक से निकालते होंगे और फिर ये मार्केट में सेल कर देते होंगे। ये ले, पहन ले, रुक जा, फोटो ले लो तेरी एक, बैठ जा। जे बात, ऐसे करना, ऐसे कर, ऐसे 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 थोड़ा, हाँ ऐसे, इधर इधर, हाँ ये हुई ना बात, इधर मेरी तरफ देख, मेरी तरफ, हाँ ये परफेक्ट। सो भाई अभी बस हम एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुके थे, कुछ खा पी रहे थे और एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। जहाँ पर भी मैं रुक रहा हूँ, जहाँ पर भी रुकता हूँ पिछले 2-3 साल से, हर किसी को दुकान उड़ाई मेरे दुकान की। अच्छा दुकान में दिखा रहा तो इन भाई साहब की दुकान है, तो यहाँ से हमने लिया तो इनको, तो इनको एक्चुअली ऐसा लगा कि मैं हूँ कश्मीरी, तो मतलब मैं कहीं पर भी रुकता हूँ ना तो यूजुअली लोग ना मेरे साथ कश्मीरी में बात करते हैं, बट मुझे कश्मीरी आती नहीं और सबको यही लगता है मैं लगता हूँ कश्मीरी, 100% कश्मीरी लगता हूँ। तो ये मेरे साथ आज का नहीं है, मैं हिमाचल में जाता हूँ तब भी मुझे काफी लोग बोलते हैं कि आप यार कश्मीरी हो, उत्तराखंड में मुझे नहीं पता। काम करो आप, यहीं रहो आप, धोखा ना हो जाए, यहीं रह रहा हूँ। बस एक ही चीज़ है कि यहाँ पर मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती, बट कोई बात नहीं, अपने भाई और यहाँ पर बस ब्रेक लेने के रुके। एक बार हेलो कर दो यार, ऐसे आप सभी ला दो सारे चुप रहे चरमा रहे हैं, तो बस यहाँ से निकलते हैं क्योंकि सब कह रहे हैं कि रोड कंडीशन थोड़ी सी खराब है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा यहाँ सबसे बातें करके कश्मीरी। चलो यहाँ से निकलते हैं अब। और ये जो कश्मीरी वाली बात है ना, ये अभी जुनैन भाई है ना जो मेरे साथ, इनकी मम्मी ने भी मुझे बोला
कि यार टोटली तू तो कश्मीरी लगता है। और मुझे यार पता नहीं कितने सालों से मैं सुन रहा हूँ, जब से मैं ट्रैवलिंग मतलब करना शुरू हुआ बाहर जाता हूँ दूसरी स्टेट्स में, तो बहुत लोगों ने बोला मुझे बहुत, पर मैंने इतना हाईलाइट नहीं किया। लेकिन कश्मीर में आके जब कश्मीरी लोग ही मुझे नहीं पहचान पा रहे तो हंसी आती है मुझे। बस मुझे कश्मीरी लैंग्वेज आनी चाहिए, मेरे पास आके खुद लोग कश्मीरी में बात करते हैं। मैं बाइक रोकता हूँ, हेलमेट उतारता हूँ तो कश्मीरी में बात करते हैं मेरे से। मैं भाई ओए 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 ओए, तो मैं तो आगे कर देता हूँ जुनैन बाबा को, भैया कुछ कह रहे हैं बात कर लो। तो ये जो एग्जैक्ट एरिया है ये है बांडीपुरा, ये जितना भी एरिया है ना ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये है बांडीपुरा की मार्केट, अच्छी है, चहल पहल है और अच्छी अच्छी मतलब शोरूम्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी ये नॉर्मल दुकान बनी हुई है, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम भी थे इधर। हाँ मैंने बताया बांडीपुरा है ना ये, हाँ बेन बांडीपुरा सही है मार्केट तो ये है ना। काफी चहल पहल है मार्केट में। तो यहाँ पर एक छोटा सा टेंपल बना हुआ है जय माता दी। बस ये है कि रोड बहुत प्यारी बना रखी है उन्होंने, रोड बहुत प्यारी है। राजदान पास 26 किलोमीटर है और दावर है 70, क्या कह रहे हो? राजदान पास में रुकेंगे ना? पक्का नहीं है, देखते हैं, अगर रुकेंगे तो रुक जाएंगे। चलो चकवाली 126 किलोमीटर, चकवाली का प्लान मेरा कल का है, आज मेरा प्लान है दावर तक का खाली। ट्रैकबल है ना। सो गाइस अभी अपन लोग आ चुके हैं ट्रैकबल में और मजा आया बहुत ज्यादा यहाँ पर राइड करते हुए। तो अभी हमने कुछ खाने के लिए मंगाया, तो भैया क्या नाम है आपका? आमिर। और आपका? तो हमारे लिए क्या दे रहे हो आप बताओगे? बिरयानी। दिखाना ऐसे बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो अभी हमारी चिकन बिरयानी बन रही है। तो भैया बता रहे थे कि इसी साल से ही है ज्यादा, इस साल से आना शुरू हुआ। तो पहले यहाँ नहीं होता था? पहले था टूरिज्म, नजर नहीं पड़ी थी लोगों की, नजर नहीं पड़ी थी। अभी हमें ट्रैकबल में और यहाँ से जो राजदान टॉप है वो लगभग अभी और पड़ेगा 12 से 13 किलोमीटर और है। अच्छा भैया ये कितने की बिरयानी है भी बता दो? 120 की बिरयानी, क्वालिटी भी सही और क्वांटिटी भी सही। तो अपनी बिरयानी अच्छी भैया, ये क्या है? ये तो बताया नहीं आपने। रायता बनाया इसलिए। ये रायता है किस चीज का, क्या है ये? ये सिंपल मशीन से हमने क्रश किया हुआ इसे। बाबा कैसी है बिरयानी? Awesome है। एक नंबर। यहाँ ये हाइट्स पे ऐसी बिरयानी मिलना वर्थ इट है। वर्थ है, बिल्कुल बिल्कुल वर्थ है। एकदम बढ़िया जी। कहाँ तक दौड़ा? आज तो ग्रेस तक दावर। हम लोग पहुंच गए राजधानी टॉप पे, मेरे को लग रहा है हाँ 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 आ रहा हूँ। क्या अमेजिंग व्यू है भाई, क्या अमेजिंग व्यू लग रहा है। तो वहाँ पर है पीर बाबा की दरगाह और अमेजिंग और बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं राजधानी पास के ऊपर और ये काफी अच्छा यार पिकनिक स्पॉट बना रखा है और काफ़ी लोग आ भी रखे हैं यहाँ पर, कैंप भी पीछे लगा रखे हैं। और अगर आपको ये दिख रहा होगा तो यहाँ पर ये है पीर बाबा की दरगाह है और साथ में हनुमान जी का मंदिर भी है। बाबा आप मुझे कह रहे थे कि बहुत ठंड होगी, क्या है ये? मेरे को जैकेट भी पहनवा दी अंदर, वूलन भी पहनवा दी अंदर, टी शर्ट भी पहनवा दी। अभी पिक्चर बाकी है, अभी हम पहुँचने वाले हैं गुरेज। गुरेज नहीं, आपने कहा था राजस्थान पे ठंड मिलेगी, ठंडी हवाएं चल रही है। I mean to say that, my apologies. मुझे नहीं पता था ना इसीलिए, बट धोखा हो गया मेरे को भी, साथ साथ आपको भी। कैसा रहा अभी तक का सफर?
अभी तक का सफर तो औसम है। हाँ। बहुत मजा आ गया। इट वाज माय फर्स्ट ट्रिप, मतलब मेरा पहला ही ट्रिप। गुरेज का पहला ही ट्रिप है। गुरेज का, हाँ। अंदर क्या था जो आप अभी अंदर देख के आए हो, बताओगे अंदर क्या था वो? हाँ, अंदर मैंने मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा रियलाइज किया कि मतलब बहुत अच्छा लगा। इस लेफ्ट साइड में हनुमान जी की मूर्ति है, उधर उनका मंदिर है, और राइट साइड से बाबा जी का मजार है। एक साथ ऑल टुगेदर मजार है, बहुत अच्छा है, मतलब साथ साथ। सो सेक्युलर कंट्री है तो एक साथ ही रहेंगे, बहुत अच्छा है। क्या बात है, एंड वाला डायलॉग जबरदस्त था। ओ आ गया आ गया आ गया, वेलकम टू राजधान पास। हम राजधान टॉप पे पहुंच चुके हैं। फोटो लेंगे, फोटो ले लो। हाँ जी, थैंक यू। एच आर यूट्यूब में आ रहा हूँ। हाँ जी आ रहे हो, हेलो कर दो। ड्रीम चेजर, भाई मेरा एडिट मत करना। एडिट नहीं करना है कि कट नहीं करना है? कट नहीं करना, एडिट में डाल देना। यू कैन सी योरसेल्फ इन वीडियो। कब आएगी वीडियो? दो दिन में, टुमारो, अगर इंटरनेट चला तो। आपको गर्मी लग रही है? मुझे वीडियो बनाना है। अच्छा, वीडियो बनाना है। पूरे के पूरे माउंटेन्स बिल्कुल आंखों के सामने, और बहुत हाइट पे नहीं है। कई माउंटेन्स होते हैं ना बहुत ऊंचाई पे होते हैं, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, और ग्रीन माउंटेन्स जिनके ऊपर पूरी ग्रीनरी है, बंजर वाले नहीं। अलग लेवल, अलग लेवल, ब्यूटीफुल। हमें लगभग 3-3.5 किलोमीटर हो चुका होगा राजधान पास से नीचे उतरते उतरते। तीन तो हो गए होंगे यार। बस प्लेन रोड है, चलती जा रही है बाइक चुपचाप से, और अभी हम नीचे उतरते रहना। अब हमें ये घूमते घूमते यहाँ से नीचे जाना है, वो नीचे जाके वो ट्रक वाला एरिया है, फिर उससे भी नीचे जाना, और भी नीचे एक रोड है ना। मुझे लगता है अच्छी रोड का सिलसिला हो चुका है यहाँ पर ख़त्म। तो ये पहाड़ की शुरुआत है ना, नीचे बेस। बिल्कुल, मतलब नीचे तो होगा एक अलग चीज़ है, लेकिन जो ग्राउंड पे हमें दिख रहा है वो बेस ही है ना। नहीं तो हमेशा ऐसे दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते, बेस वाला नहीं दिखता। जब पानी आता है ना उधर से, ऑलमोस्ट यहाँ तक आता है, ये जो पत्थर है ना घिसे हुए, वहाँ तक लेवल चढ़ता है। अच्छा, क्योंकि ये जो लकड़ियाँ आई है ना, ये ऊपर से ही आई है, पानी में पानी का फ्लो बहुत रहता होगा। तो अभी बच चुके 3:43, 4:15 हो चुके हैं यार, और देखना कैसे कैसे निकल रहे हैं अभी हम। बाबा एक विलेज आ गया, एक विलेज आया नीचे। कहाँ से आ रहा होगा ऊपर ग्लेशियर का पानी, बिल्कुल पिघलते। हेलो, हाउ आर। तो ये जो है ना, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बख्तोर और तारबल, ठीक है। ये बख्तोर एक विलेज आता है, उसके बाद आता है तारबल। तारबल लास्ट पॉइंट है जहाँ तक मेरे ख्याल से सिविलियंस को जाने की परमिशन होती है, और वहीं से ही समझो जैसे मुझे ये पहाड़ दिख रहा है ना, तो मुझे वो POK सारा दिखेगा, मतलब पाकिस्तान की साइड वाला जो POK एरिया है वो सारा पहाड़ दिखता है। इंडियन आर्मी की पोस्ट मतलब इधर है, और पाकिस्तान वालों की उधर है। तो अभी हमें जाना है दावर, तो मुझे लगता है इस वाले से जाना है हमें। भैया कौन सा विलेज है ये वाला? ये हो गया मस्तम खोपरी बोलते हैं इसको। खोपरी जी। और यहाँ से डावर कितने दूर है? डावर है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर है। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से। हाँ जी, बहुत खूबसूरत जगह है आपकी। हाँ, बहुत खूबसूरत है। आगे हाँ
हाँ। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं खोपरी में, खोपरी ना भैया, तो भैया ही बताएंगे हमें। तो भैया से ऐसी हेलो हाय करने के लिए रुका, भैया से पूछा कौन सा गांव है, क्या विलेज। जब भैया ने बताया खोपरी, भैया की स्माइल इतनी अच्छी की कि हम यहीं रुक गए और भैया से पलटी ले ली। क्या नाम है भैया विलेज का? विलेज मस्तान खोपरी। और यहाँ से डावर कितना दूर है? डावर यहाँ से 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर भैया एक बात बताओ ना, बर्फ पड़ता है पूरा? बर्फ पूरा पड़ता है, दिसंबर से बर्फ स्टार्ट होता है। कोई कितना बर्फ पड़ जाता है यहाँ पर? बर्फ कोई 7-8 फीट के, 7-8 फीट पड़ जाता है। तो आप लोग नीचे जाते हो, यहीं रहते हो? तो हम तो ऑलरेडी सेटल वही है, तो अभी सीजन में यहाँ। अच्छा, सीजन में खाली है यहाँ पे। तो अभी डावर खाली रह गया है 6 किलोमीटर। हाँ जी, हाँ जी, बताओ ना। 6 किलोमीटर खाली डावर है। तो यहाँ खाली 6 किलोमीटर डावर रह गया, और 6 किलोमीटर ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट है ना बाबा? 10 से 15 मिनट लगेंगे। अभी टाइम क्या हो गया? 4:30 हो गए होंगे लगभग, 4:30 बजे। 20 मिनट कम। अपना कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, चाय पानी फ्रेशन अप हो रहे थे यहाँ पर, तो वहीं पर ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली। मैं वही बता रहा था कि पाकिस्तान के भी बॉर्डर दिखता है पूरा, तो ये आपको पोस्ट दिखेगी यहाँ पर। ये जो है यहाँ पर, ये जो पोस्ट है ना, ये है पाकिस्तान की, यहाँ पर पोस्ट है, पूरा पहाड़ पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर है, और यहाँ पर पोस्ट जो है वो पाकिस्तान के अंडर है वो एरिया। तो वो वाला जो आपको पहाड़ दिख रहा है वो पाकिस्तान के अंडर है। और अभी आगे जाएंगे, देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कुछ। पर ये चीज़ें होती है ना जो यूनिक, बिल्कुल सामने है, मतलब अगर मैं तो उनको नहीं देख सकता, बट गारंटी की बात है कि वो मुझे इस समय देख सकते हैं कि मैं शूट कर रहा हूँ। डेफिनेटली 101% बिल्कुल नदी के पास वो कैंप्स लगे हुए हैं, मतलब रहने का अरेंजमेंट कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कैंप्स का भी अरेंजमेंट है। होटल में रहना चाहेंगे तो होटल भी रह लेंगे, प्राइस सब पता कर लेंगे कितनी प्राइसिंग है क्या है, और आपको अपडेट भी दे दूंगा। गुदरेज रिट्रीट देखते हैं ना जाके एक बार, क्या फ़र्क पड़ता है क्या? कहाँ से ये? नहीं बाबा ओहो, कहाँ आ गए बिल्कुल नीचे अपन लोग। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त और कितनी प्यारी लोकेशन है। रे बाबा, रे बाबा, कहाँ ले आए यू? क्या मस्त व्यू है भाई साहब। ओ मच गया। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ठंडा पानी है। सच में यार अमेजिंग प्लेस है, यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा। पता नहीं कितनी देर और हम यहाँ रुकने वाले हैं, 15-20 मिनट रुकते हैं। प्लान हमारा इसके बाद कुछ और भी था, हम सोच रहे थे किसी और जगह पे भी जाएंगे, लेकिन अब उसको हमने पोस्टपोन कर दिया, वो हम कल करेंगे। अमेजिंग। ओहो, क्या मज़ा आ गया यहाँ पर, दिल खुश हो गया यहाँ पर आकर। टोटल वर्थ, काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ टाइम स्पेंड करे। जो हमारा अभी शाम का प्लान था, अब हमने वो पोस्टपोन कर दिया कल सुबह पे, अब हम कल सुबह वो करेंगे। एक्चुअली यहाँ एक वो कल ही बताता हूँ, अभी क्या सारी चीज़ें आपके सामने करूँ, इतना बड़ा व्लॉग हो जाएगा। ये टायर जो है ये ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ वाले टायर नहीं है, ये रोड टायर्स हैं। फिर भी यार कहीं पर भी 1% भी टायर में प्रॉब्लम नहीं थी मुझे,
1% भी अभी आपके सामने देख लो, कहीं स्किड नहीं हुआ, कुछ नहीं, पूरी राइड सही है यार। यहाँ पर है वो टावर? नहीं टावर तो आ गए, ये होम स्टे होटल जहाँ है, होटल्स होटल्स। अच्छा वो रहा हब्बा खातून, वो है हब्बा खातून। ये कौन है, क्या है, क्यों इस पहाड़ का नाम हब्बा खातून है, तो ये सारी मेरे को कल ही आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा। बस इतना मैंने आपको बता दिया, वो जो आपको दिख रहा है बड़ा, वो है हब्बा खातून सामने पहाड़। सर कितने का लिए टेंट? 500 एक दिन के लिए। हाँ। और स्लीपिंग बैग? स्लीपिंग बैग दो इसी के साथ है ना, 500 रुपए में सब कुछ। हाँ। तो अगर कोई आना चाहता है तो आपको कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है, इतना वजन उठाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास जगह नहीं है। 500 रुपए में टेंट और दो, आपको जगह मैंने दिखा दी है, पूरा रूट दिखा दिया, यहीं से आप उठा सकते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं हिंदी वाला हूँ। ओ यार इसको कहाँ बिठा रहे हो इसको? बोल रहा है मुझे बिठा लग जाएगा। अब जाके सब कुछ ढूंढ ढांड के सारे होटल के होटल पे पता कर लिया भाई। वैसे तो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। मैंने ऑनलाइन इसलिए बुकिंग नहीं किया क्योंकि मेरा कोई फाइनल ही नहीं था क्या प्लान है क्या प्लान नहीं है, मुझे पता था प्रॉब्लम होती है। बट दूसरी प्रॉब्लम इसलिए हो गई यहाँ पर क्योंकि सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे को यहाँ पर सारे ऑलरेडी बुकड हैं, और कोई VIP का भी सीन चल रहा है, कोई VIP आया था या आएगा, तो उस वजह से भी थोड़ा कुछ होटल बुक्स कर रखे हैं। बाबा जान मांगते हो, ठीक है और क्या, अंदर गुस्से खत्म अंदर गुस्से खत्म हो गया रूम भाई, मिल गया रूम वही बहुत है, ऑप्शन ही नहीं कुछ। चलो सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम डावर, और कल रात को हम यहाँ पर 7:30 बजे हमने होटल फाइनली ले लिया था। हमें 1.5 घंटा लग गया था होटल ढूंढते, और मेन रीज़न ये था कि किसी VIP ने आना था तो यार सारे होटल्स और गेस्ट हाउस बुक थे। दूसरा रीज़न ये था कि सैटरडे था और सैटरडे संडे कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी मतलब टूरिस्ट आ जाते हैं, लोकल टूरिस्ट आ जाते हैं, तो उस वजह से ज़्यादा थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो गया था। एनीवेज मैंने अभी बस जस्ट उठाई हूँ और मैं व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि कल रात को मैंने एंड नहीं किया था, तो एक रॉनेस होनी चाहिए वीडियो में, तो वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हमारा नेक्स्ट प्लान है, नेक्स्ट हमें इस वाले और रूट पे आगे जाना है। कहाँ तक जाना है? जहाँ तक हमें परमिशन मिलती है और ये रोड जाती है। तो मुझे लगता है ये व्लॉग मुझे यहीं पर एंड कर देना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है। कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपको मैं रिप्लाई कर सकूँ। बस अब इसी के साथ गाइस मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।